दोस्तों नमस्कार। आज के एक नए एपिसोड के अंदर जिसमें हम आज आपको घुमाएंगे और साथ में आज आपको हम खूब खिलाएंगे, इस समय हम हैं कंट्री इन साहिबाबाद के अंदर। दोस्तों आपने कहीं लोगों से सुना होगा इस होटल के बारे में, यहाँ के बुफे ब्रेकफास्ट डिनर लंच बहुत मशहूर हैं। आज हम आपको देंगे जायका और स्वाद इनके बुफे ब्रेकफास्ट का। अभी जैसे ही हम अंदर चलेंगे आपको दिखेगा कि कितनी वैरायटी है। दोस्तों काफ़ी अच्छी पार्किंग स्पेस है, सही लोकेशन है। ज़्यादा समय नहीं लगता पहुंचने में, लॉबी बहुत ब्यूटीफुल है और ओवरऑल काफ़ी अच्छा माहौल है, जैसे कि किसी फाइव स्टार होटल के अंदर होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली क्या है कि थोड़ा रेस्टोरेंट जो है वो मेन लॉबी के साथ ही है, जिसकी वजह से ये यूजुअली पूछते हैं कि आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है कि नहीं। अगर आप रह रहे हैं या अगर आपके पास कोई वाउचर है तभी आप नीचे एरिया के अंदर जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा इनके पास रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट बुफे के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने लोग एक समय के अंदर यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों जायका मैं आपको ज़रूर दूंगा, हर एक आइटम का कोशिश करूंगा कि बुफे के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उसका मैं जायका आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन कुछ आइटम्स का अगर मैं जायका नहीं भी पहुंचा पाया तो आप समझिएगा कि वो बुरी नहीं है, वो भी अच्छी थी, क्योंकि मैंने जितनी भी आइटम खाई सभी बहुत बढ़िया थी। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर बताता रहूँगा। दरअसल ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और वेजिटेरियन बुफे है, इसलिए यहाँ पर आपको अंडा जो है वो नहीं मिलेगा। ऑमलेट की जगह पर ये कभी पैनकेक्स रख देते हैं, कभी चीला रख देते हैं। तो अभी आपके सामने जो है ये बढ़िया सा चीला बनाया जा रहा है, जो कि सब्स्टिट्यूट है फॉर अंडा। अभी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट तरह की कर्ड्स अवेलेबल हैं, स्वीट कॉर्न्स हैं, पोटैटो सैलेड है, कहीं और तरह के सैलेड्स हैं, बीन्स हैं और कई तरह की क्रीम्स, अचार। और मैं कहता हूं कि ये एंडलेस आइटम्स हैं, जो फ्रूट के अंदर भी और वेजिटेबल्स के अंदर भी, जो बॉयल्ड वेजिटेबल्स होती हैं उसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल थी। अभी आप जो देख रहे हैं वो बेसिकली शेक्स थे, तो शेक्स में लस्सी भी थी और डिफरेंट तरह के शेक्स भी थे, बटरस्कॉच शेक। ये नॉर्मल वाटर जो होता है टॉक्सीफाई करने के लिए वो थी, कहीं तरह के मुरब्बे हम जिसे कहते हैं वो चीज़ें थी। और आपको ऑप्शंस की जो लिमिट है वो ख़त्म नहीं होगी, आप आगे आगे चलते रहेंगे तो ये ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ती रहेंगी। अभी आप ये देख रहे हैं फ्रूट सिलेक्शन जो है वहाँ पे काफ़ी था, बिस्किट्स तक रखे हुए थे और ऑप्शंस ऑफ फ्रूट्स और एग्जॉटिक वेजिटेबल्स अगर हम कहें, ये चीज़ आप देख रहे हैं तो उसकी भी कमी यहाँ पे नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया वेजिटेरियंस के लिए ये फुल फ्लेज स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप यहाँ खाएंगे तो आप दोपहर का खाना तो गारंटेड मिस जो है वो करेंगे ही करेंगे। दोस्तों कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि इस बुफे में नहीं थी। अभी आप जो देख रहे हैं वो साउथ इंडियन देख रहे हैं, इडली। इडली भी दो तरह की, इसके अंदर एक वेजिटेबल इडली थी और एक नॉर्मल इडली थी। उसके बाद कहीं तरह की चटनी, चटनी के साथ सांभर भी दो तरह का, उपमा अभी जो आप देख रहे हैं वो उपमा है। तो बेसिकली आइटम्स ख़त्म नहीं होंगी लेकिन आपका मन भर जाएगा, आपका दिल भर जाएगा। दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ लाइव तंदूर। लाइव तंदूर के साथ भी वाइट बटर, येलो बटर, लो फैट बटर, देसी घी, किस तरह से आप अपने पराठे को खाना चाहते हैं ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कैसा खाना पसंद है। ज़्यादा स्टफ्ड वाला चाहिए, कम स्टफ्ड वाला चाहिए। पूरी आप देख सकते हैं देसी घी के अंदर बेडमी पूरी को तला जा रहा है और वाकई मानिए मैंने इसका स्वाद चखा था। पूरी आलू
बहुत ही बढ़िया थे। हर रोज़ कोशिश ये करते हैं कि चीज़ें चेंज हों। अभी मैं जो आपको स्वाद दे रहा हूँ वो बेसिकली वड़े का दे रहा था कि कैसा वड़ा था। ये बेसिकली पकोड़े थे एक तरह से, और ये अब आप देख रहे हैं पैनकेक को बनते हुए। तो मेरा बोलना चलता रहता है लेकिन आप स्क्रीन पे देखेंगे तो अगली डिश आ जाएगी। इतनी डिश की भरमार है इस कंट्री इन बुफे में। दोस्तों आपको लोकेशन कहाँ है, ये इसके क्या प्राइसेस हैं, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं किस तरह से पैनकेक को सजाया जा रहा है। उसके ऊपर हनी डालने के बाद इसके ऊपर क्रीम और चॉकलेट्स भी दिए, साथ में सैंडविचेस। तो कोई चीज़ कभी भी आप जहाँ मुड़ेंगे वहाँ पर आपको एक नई डिश मिल जाएगी जो कि आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मैंने खाई नहीं। देखिए ये कौन से बुफे के अंदर, ब्रेकफास्ट के अंदर इस तरह की पनीर की सब्जी होती है, आप मुझे बता दीजिए। मैंने तो इतनी देख ली है, कहीं पे होती भी है लेकिन उसके साथ फिर इतनी वेराइटी मिलनी बहुत ही मुश्किल है। कई लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनको भी अगर सोचा जाए तो कॉर्नफ्लेक्स भी यहाँ पर, कहीं तरह के कॉर्नफ्लेक्स थे, हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क जो कि एक नॉर्मल चीज़ है वो भी यहाँ पर अवेलेबल था। साथ ही साथ देखिए आप ओट्स मिल्क, और साथ ही साथ आपको कहीं तरह की कॉफ़ी, जैम और हनी भी जो है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। जैम भी आप देख सकते हैं, 4-5 तरह के जैम हैं। चॉकलेट, जी हाँ चॉकलेट भी है, बटर मिल्क है, सॉरी बटर जो होता है वो है, कहीं तरह का बटर है। उसके बाद ये बेकरी की कुछ आइटम्स आप अपने सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों देखते रहिए और आँखों को मज़े देते रहिए, क्योंकि अभी आप स्वाद तो चख नहीं पाएंगे, स्वाद आप तभी चख पाएंगे जब आप यहाँ पर जा पाएंगे। तो लुफ्त उठाइए इन चीज़ों का, और कोई नई चीज़ आएगी तो मैं फिर से आपको बताने आऊँगा कि यहाँ पर ये देखिए, ये अब बेक्ड आइटम्स के अंदर भी कहीं तरह की वैरायटी थी। गार्लिक बार थी, और डोनट्स थे कहीं तरह के, और ये मफिन्स आप देख सकते हैं, मफिन्स हैं ये। तो कमी जो है वो किसी चीज़ की नहीं थी, ऑप्शंस भर के थी। आप देख सकते हैं किस तरह से ऑप्शंस अनलिमिटेड यहाँ पर हैं। ये हम चख रहे हैं उपमा, और कोई भी आइटम ऐसी नहीं थी जिसको दोबारा लेने का मन ना करे, लेकिन आइटम्स इतनी थी कि आप दोबारा लेने नहीं जा सकते। दोस्तों स्वाद उठाइए अब चाइनीज़ आइटम्स का। जी हाँ, चाउमीन भी थी, बेक्ड टोमेटोज थे, बेक्ड पोटैटोज थे, और मिनी पिज़्ज़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा सा मिनी पिज़्ज़ा है ये। तो कमी किस चीज़ की है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। सौते वेजिटेबल्स थी, एग्जॉटिक सौते वेजिटेबल्स थी, तो चीज़ों की कमी नहीं थी, लेकिन खाना खाने वाले जो हैं वो थक जाएंगे, लेकिन ये आइटम्स जो हैं वो चलती रहेंगी। दोस्तों स्वाद लीजिए और लुफ्त उठाइए इस खाने का, इस जायके का। दोस्तों खाने के अंदर जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो मीठे की कमी भी महसूस होती है। तो इसके अंदर आपको ये खीर देख रहे हैं आप, इससे पहले आपने देखा गाजर का हलवा, तो यहाँ पर मीठा भी भरपूर मात्रा में था। ये एक पुडिंग थी, और इस समय है ये फ्रूट जो वो है, फ्रूट क्रीम जिसे कह सकते हैं वो है ये। और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं पेस्ट्रीज, डिफरेंट तरह की पेस्ट्रीज हैं, कोई बटरस्कॉच, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये सब आइटम्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये भूलिएगा मत, ये ब्रेकफास्ट बुफे है कंट्रीन का जो इतनी ऑप्शन देता है। मट्टी की ऑप्शन है, ड्रिंक्स के अंदर भी चाय, कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी भी आपको मिलेगी, और रेडी टी मिलेगी, डिफरेंट तरह की चाय थी, दूध था, केसर दूध, मिल्क, बादाम दूध। तो अल्टीमेट ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। लुफ्त उठाइए इन चीज़ों का, और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो मैंने जैसे कि आपको बताया डिस्क्रिप्शन पर लोकेशन और एक
अमाउंट जो यहाँ पर आपको खर्चना पड़ेगा इस ब्रेकफास्ट के लिए, अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट के लिए, इतने बड़े ऑप्शन के ब्रेकफास्ट के लिए, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। स्वाद के बारे में अगर हम बात करें तो हर आइटम्स के अंदर जो स्वाद था वो बहुत ही बेहतरीन था, और जायका जो था हर चीज़ का बहुत अच्छा था। बहुत ही ध्यान से किसी अच्छे शेफ़ की निगरानी में खाना जो था वो सारा का सारा बना हुआ था, साफ सुथरा था, और हर आइटम जो थी वो अपने आप में बहुत अच्छी तरह से खुद बोल रही थी कि मुझे खाओ, ऐसा लग रहा था। बहुत ही अच्छा खाना था। अगर आपका मौका लगे तो यहाँ जाना मत भूलिएगा। दोस्तों ये तो पक्का है, जैसे कि एक आइटम आप खाते हैं उसके बाद कुछ और खा लेते हैं, हमारा भी आप मेन्यू देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से है। तो ये तो पक्का है कि इतना खाने के बाद आपको चूर्ण की गोली तो खानी पड़ेगी या उस तरह की चाय पीनी पड़ेगी ताकि आपका पेट जो है वो सही रहे। हमने यहाँ पर स्टे भी किया था तो उस वजह से हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया था। हमने दो शिफ्ट में इस वीडियो को बनाने के लिए कवर किया आपके लिए, ताकि एक बार पहले हमने खाया सुबह के समय पर, फिर उसके बाद दोबारा थोड़ी देर बाद खाया, क्योंकि खाना इतना ज़्यादा हो गया था कि बहुत मुश्किल है इस तरह की वीडियो को आपके सामने पेश करना। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं किस तरह से हम पैनकेक्स और बाकी चीज़ें खा रहे हैं, ये साउथ इंडियन का एक नज़ारा है। सेकेंड शिफ्ट के अंदर थोड़ा कम जो चीज़ें हमने नहीं चखी थी उसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को हमने चखने की और जायका लेने की कोशिश करी। ये आप देख सकते हैं चाय की वेराइटीज़ है, जिसमें असाम टी और कहीं तरह की ग्रीन टीज़, शुगर भी कहीं तरह की, तो काफ़ी वेराइटी के साथ ये जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोल्ड ड्रिंक भी आप पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी इसके अंदर है, और साथ ही साथ कहीं तरह के जूसेस भी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी प्लेट स्वीडिश से भरी हुई, और ये सब आइटम्स थी स्वीडिश के अंदर। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इन सब वीडियोज़ को देखने का, हमारी वीडियोज़ को पसंद करने का। ज़रूर उन लोगों से इसको शेयर कीजिएगा जिनको खाना बहुत पसंद है और वो वेजिटेरियन की स्वर्ग में जाना चाहते हैं। मैं इसी तरह से बोलूँगा इस चीज़ को, खाने का जो है वो स्वर्ग है ये, क्योंकि इतनी आइटम्स एक साथ वेजिटेरियन में मिलना कोई आसान बात नहीं है। मेरे को लगता है ये लोग तो सुबह 3-4 बजे शुरू हो जाते होंगे खाना बनाना। तो इस तरह से अगर मैं बोलूँ तो बहुत आइटम्स हैं यहाँ पर, और आपको अगर आप वेजिटेरियन के शौकीन हैं तो ज़रूर यहाँ पर जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, और हम और ऐसी बहुत सी बढ़िया खाने की चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे जो शायद आपने सुनी ना हो, लेकिन हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर उस जगह पर जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और इन्जॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल आर वीडियोज़। थैंक्स।